मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघातील समस्त जनतेला स्वतंत्र दिनाच्या व रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक कोमल सुरेशराव तायडे, सक्रिय युवा कार्यकर्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मूर्तिजापूर. सुरेशराव गणपतराव तायडे, तालुका अध्यक्ष सकल चर्मकार महासंघ मूर्तिजापूर. तिरंगा तीन रंगों से सजा ये राष्ट्र ध्वज सिर्फ एक झंडा नहीं, भारत की आन बान और शान का प्रतीक है. देश को एक सूत्र में पिरोने वाला ये राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक है 125 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं, उनके साहस, शौर्य और स्वाभिमान का. ये प्रतीक है त्याग और बलिदान का. ये प्रतीक है सत्य, शांति, पवित्रता और संपन्नता का. केसरिया, सफेद और हरे रंग को अपने में समाहित किए ये पावन ध्वज राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है और इसके बीचों बीच मौजूद अशोक चक्र प्रगतिशीलता का प्रतीक है. शक्ति के साथ प्रेम बरसाने वाला ये तिरंगा जब लहराता है तो हर देशवासी की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है और बच्चा बच्चा जोश से लबरेज हो जाता है. ये अटूट देश प्रेम और तिरंगे की ही ताकत है कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों में तिरंगा थामने को बेताब नजर आते हैं तो स्वतंत्रता दिवस का सुरूर युवाओं पर भी चढ़ा नजर आता है. गली गली, गांव गांव, शहर शहर, हर जगह कार, बाइक, ऑटो और मकान दुकान से लेकर संस्थानों पर तिरंगा लहराता दिखता है. तिरंगे की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए जवान से लेकर किसान, खिलाड़ी से लेकर वैज्ञानिक सभी अपना सर्वस्व लगा देते हैं. तिरंगा हमारी आन, हमारी शान ही नहीं, दुनिया भर में भारतीय गणतंत्र और संप्रभुता की पहचान भी है. मैदान जंग हो या खेल का मैदान या फिर अंतरिक्ष की उड़ान, तिरंगे की मौजूदगी उसे बुलंदी पर पहुंचा देती है. राष्ट्रीय या राजकीय शोक के मौके पर तिरंगे को जब आधा झुकाया जाता है तो आंखें श्रद्धा से नम हो जाती हैं और जब देश पर प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों के पार्थिव शरीर पर इस तिरंगे को लपेटा जाता है तो वो अमर हो जाते हैं. 29 मई 1953 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को एडमंड हिलरी के साथ फतह करने वाले तेंजिंग नोर्गे ने वहां तिरंगा फहराकर भारत का नाम हिमालय की ऊंचाइयों पर दर्ज किया. 2 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के स्पेस सूट पर लगे तिरंगे ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया. भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भी अपने भारत प्रेम का परिचय 7 साल पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में तिरंगा लहरा कर किया. जिस झंडे के तले सपनों को संकल्प के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करके देश नई ऊंचाइयों को छूता है उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था. इस तिरंगे का डिजाइन आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था. खास बात यह है कि तिरंगे को अंगीकृत करने के 72 साल बाद इसी 22 जुलाई को इसरो ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों के लिए चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया.